और राखी जी से मिले आप? हाँ मिली यार, बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है, पता है मैं अभी उसको वही बताई थी। हाँ इस वक्त तो जितना राखी के लाइफ में हुआ है और उसके बाद भी हर रोज आप लोगों को फेस करना इतना आसान नहीं होता, मैं आपको बता रही हूँ। हाँ। क्योंकि मैं कई बार देखती हूँ राखी के आंखों में आंसू भी होते हैं, वो फिर भी अपने आप को कवर अप करके फिर अगले जब मैं देखती हूँ तो उसको स्माइल कर रही होती है। इट इज़ नॉट ईजी, लेकिन एक लड़की की पावर इतनी स्ट्रांग होती है ना कि जस्ट मैटर, अभी उसको नहीं दिख रहा है आगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप देखना राखी विल कम आउट ऑफ इट और जेन्युइन स्माइल आएगी वापस। बट इट्स गुड तुम लोग हो, उसको एंटरटेन रखो, वो जितना आपको एंटरटेन करती है आप लोग भी उनको क्या करो, कितना करती है वो आपके लिए, है ना? करते हो ना, उनकी हिम्मत बढ़ा के रखो, हम तो साथ खड़े उनके। हाँ ये बात सच है, देखो उनको भी आपसे हिम्मत बनती है ना, अपने इंडस्ट्री में हमें भी पता चलता है कितना प्यार है ये देख कर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए रहो एंड बहुत जल्दी राखी विल कम आउट ऑफ इट, आई एम वेरी श्योर। तो फाइनली हमको कब बुलाने वाले हैं आप, 16 या 18 को? बताऊंगी 100% आप तक मैं ज़रूर बताऊंगी, और जैसा मैंने कहा बुलाऊंगी भी, कब क्या कहां आप तक बात पहुंच जाएगी डेफिनेटली, बट मैं ज़रूर ये चाहती हूं क्योंकि ये जैसा मैंने कहा दो परिवार, बहुत डरे हुए परिवार साथ में आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मैं तो फेस कर सकती, देखो मैं तो एक घंटा और बैठ के गप्पे मार लूँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेरे होने वाले पति हैं वो कीनिया से आए, उनको हिंदी आता पता नहीं है, वो डर नहीं घबरा ना जाए, हम सिखा देंगे। हाँ आप लोग सिखा देना, ठीक है, उनको थोड़ा सा हिंदी आप सिखा देना, इंग्लिश वो सिखा देंगे, तो बात बिल्कुल इक्वल हो जाएगी फिर। नहीं लेकिन शादी में ना इतने इमोशंस होते हैं ना, कई बार पेपराजी और सब देख के इसलिए थोड़ा सा कम रखना चाह रही हूँ, लेकिन आप लोगों के बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है, हम एक्टर्स हैं, हमारी ज़िंदगी लिटरली अधूरी है, तो आप लोग ज़रूर आओगे। कब कहाँ क्या मैं बताऊंगी, इस वक्त बता दूँ 100% थैंक यू, फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई, बहुत जरूरत है बधाई की भी, स्पेशल ऐसे तो ये भाई।